हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भिग्या की रसोई। तो यहाँ पे हमारे पास है भिंडी। तो भिंडी को हम इस तरह से कट कर रहे हैं और इसकी सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने भिंडी लिया है, इसे धोकर ले लिया है, और प्याज है। तो चलिए फिर हम इसे काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हमारी भिंडी कट चुकी है और यहीं पे हमने खड़े खड़े प्याज काटे हैं। तो इन सभी को हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही गर्म हो जाएगी इसमें हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाही रखा हुआ है और यहीं पे मैं एक और कढ़ाही रख रही हूँ जिसमें मैं इसे पकाऊंगी। तो चलिए फिर पहले हम डीप फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर भिंडी को पकाएंगे। इतने भिंडी में डाल देते हैं इसमें। तो कुछ ही समय में ये फ्राई हो जाएगा, हमने आज तेज ही रखा है। और इसमें डालने के लिए मैं आलू ले लेती हूँ और आलू को भी लंबे लंबे कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं आलूओं को लंबे कट कर रही हूँ, ये देखिए। और इसे भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज जैसे ही इसे कट कर लिए हैं, और जैसे ही हमारी भिंडी सीख जाएगी हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और जो हमारा एक और कढ़ाही है उसमें मैं इसे डालते जाऊँगी। तो इतना ही फ्राई करते हैं इसे। ज़्यादा इसे और फ्राई नहीं कर रही हूँ वरना ज़्यादा ही कड़ा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर और डाल दूँगी मैं। तो इसी तरह मैं सारे भिंडियों को फ्राई करूंगी। डीप फ्राई होते हुए भिंडी बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो देखिए ये भी फ्राई हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ अब। थोड़ा और फ्राई करती हूँ, ये अभी नहीं हुआ है, हल्का कच्चा ही लग रहा है। तो चलिए मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। और यहीं पे मैं आलूओं को भी डाल देती हूँ। तो आलू को डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम खड़ी भिंडी मसाले वाली और आलू बना रहे हैं, तो इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसके तेल को पूरी अच्छी तरह से निकाल लेते हैं हम। और आलू को भी फ्राई होने देते हैं, तो इस तरह से इसे मिला लेंगे।
और इसे भी डीप फ्राई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारी आलू भी फ्राई हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इसे भी निकाल लेते हैं हम। और इसमें जो हमारे और भिंडी बचे हुए हैं, तो एक बार बचा हुआ है उसको और निकाल लेते हैं और उसके तेल को झड़ा लेते हैं। तो हमारे आलू बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फ्राई कर लिया। तो ये है हमारे पास टमाटर, इसे भी हम खड़ा खड़ा कट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं, खड़े खड़े कट कर लूँगी लंबे आकार में। तो हमारा आलू, भिंडी, प्याज सभी हमने इसी शेप में कट किया है, तो इसे भी हम इसी तरह कट करेंगे। मेरे टमाटर थोड़े ज़्यादा पक गए हैं, तो इसी तरह मैं सारे टमाटर को कट कर लूँगी लंबे आकार में। यहाँ पे भिंडी को निकाल लिया है, लास्ट टाइम और किया उसे। और हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल है, तो हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे अब। यहाँ पे हमारे पास सारी भिंडी और आलू और प्याज फ्राई हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी मेथी, थोड़े से कसूरी मेथी, और टमाटर। तो टमाटर को डालकर मैं इसमें भून लूंगी। तो आँच हमारा तेज ही है, जब तक ये टमाटर भून रहे हैं तब तक मैं लहसुन छील लेती हूँ। तो इसे भुनने देते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लहसुन को कूट लिया है, इसे भी अब इसमें टमाटर में ऐड कर दूंगी और मसाले भी मिला लूंगी मैं। तो जो सूखे मसाले हैं उसे भी डाल दूंगी। तो सूखे मसालों में मैं डालूंगी हल्दी का पाउडर, थोड़ा धनिए का पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च। और इन सभी को मिला लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए इस तरह से। और मसाले भुन जाएंगे फिर मैं इसी में अपने भिंडी और आलू को भी ऐड कर दूंगी। तो लहसुन और मसालों को अच्छे से भूनने देते हैं। तो यहीं पे मैं अपने आलू और
भिंडी को भी मिला देती हूँ और साथ में भुनने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये रहे हमारे आलू और भिंडी तले हुए। यहाँ पे मैंने अभी नमक नहीं डाला है तो नमक भी ऐड कर देती हूँ। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और इन्हें मिला लेते हैं। तो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे भिंडी और आलू को। तो इस तरह से मसाले मिला लेते हैं। तो मैं यहाँ पे धनिया भी काट कर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी में धनिया के पत्ती को ऐड कर देती हूँ और इसे मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम मिला लेंगे।
और ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गई है आलू और भिंडी, और मसाले भी अच्छे से इसमें लग चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से कसूरी मेथी और ऐड कर रही हूँ, और ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कि ये कैसी लग रही है हमारी भिंडी। तो ये बहुत ही गर्म है ये। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है हमारी आलू और भिंडी की सब्जी। बाय बाय फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने टिफिन में डाला है भिंडी और आलू की सब्जी, और यहीं पे हम पैक कर रहे हैं रोटी। तो ये रही हमारी रोटी, तो इसे हम पैक कर लेंगे इस तरह से, और इसे भी ऐड कर देते हैं। तो हमारी भिंडी और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। तो आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।